नमस्ते किसान भाइयों, डीदस नर्सरी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज पार्सल पैकिंग हो रहा है उसका जो प्लांट क्वालिटी है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो प्लांट ये सब पार्सल पैकिंग होकर जाएगा कुरियर में। देख सकते हैं आप, ये सब चाइनीज स्वीट ऑरेंज है। ये बहुत क्वांटिटी में फ्रूटिंग होता है। ये ऑरेंज का क्वालिटी बहुत अच्छी, देख सकते हैं इतना छोटे फाइट का पौधे में ही कितने फ्रूटिंग लगा हुआ है। ये सब चाइनीज स्वीट ऑरेंज का प्लांट है, देख सकते सब मैच्योर फ्रूटिंग सब आया है, छोटा छोटा बहुत सारा। इसे छोटे पौधे से फ्रूटिंग होना स्टार्टिंग हो जाता है। ये सब है, देखिए एक कश्मीरी रेड एपल वेल है, इसमें भी फ्लोरिंग आया है। इतना सब हेल्दी प्लांट रहता है। सब कोरियन में थाई ब्लैक जामुन का प्लांट है, ये सब जाएगा कोरियन में। आप देख सकते हैं थाई कार्टून मैंगो है, इसमें मैंगो लगा हुआ है। इसे पौधे का हाइट 3-3.5 फीट का हाइट का पौधा है, इसमें फ्रूटिंग लगा हुआ है। ये सुवर्ण रेखा मैंगो है, इसमें नया डाली आने से इसमें अभी तक फ्लोरिंग नहीं है, बाद में फ्लोरिंग आ जाएगा। इसमें नेचुरल पौधा है। ये भी पालमर मैंगो है, इसमें फ्लोरिंग अभी आना है, सीजनल पौधा है, अभी फ्लोरिंग नहीं आएगा इसमें, लेकिन पौधा सब मैच्योर पौधा है। ये भी कश्मीरी रेड एप्पल बेल है, इसमें भी फ्लोरिंग लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप माल्टा लेमन, इसमें भी फ्लोरिंग लगा हुआ है। सभी ऐसे मैच्योर प्लांट जाते हैं। ये देखिए थाई आमरा, थाई आमरा का प्लांट है, ये भी देख सकते हैं हेल्दी प्लांट है सब। एक कद बेल बोलते हैं इसको, कद बेल का प्लांट है थाई कद बेल का। ये सब ऐसे लकड़ी से बांधा जाता है क्योंकि वो पैकिंग के अंदर अगर पौधा टूटने के चांस रहते हैं, इसलिए सब लकड़ी से बांध दिया जाता है। ये भी माल्टा लेमन का एक प्लांट है, इसमें भी फ्रूटिंग लगा हुआ है। स्ट्रॉबेरी गुआवा है, इतना हेल्दी प्लांट है, देख सकते हैं। इस फिंगर लेमन है, और भी रहते हैं प्लांट। एक वाइट जामुन का प्लांट है, थाई चीकू, इसमें भी सब इतना फ्लोरिंग आ रहा है, देख सकते हैं। एक गुआवा प्लांट है, बारीकू गुआवा, इसमें सब फ्लोरिंग लगा हुआ है, देखिए। ये भी एक बारीकू गुआवा है, इसमें भी फ्लोरिंग लगा हुआ है। ये नागपुरी ऑरेंज है, नागपुर ऑरेंज। ये बारामासी कागजी लेमन है, इसमें भी फ्लोरिंग लगा हुआ है। ये देखिए कश्मीरी रेड एप्पल बेल है, कश्मीरी रेड एप्पल बेल में इसमें भी फ्लोरिंग लगा हुआ है। सब इतना हेल्दी प्लांट रहता है। थाई ऑल टाइम मैंगो का प्लांट है, इसमें भी फ्लोरिंग लगा हुआ है। ये हनुमान 99 एप्पल का प्लांट है, ये भी एक कार्टून मैंगो का प्लांट है, इसमें भी मैंगो लगा हुआ है। मैंगो टूटने का चांस रहता है, इसलिए इसे ऐसे पैकिंग करके बांध दिया गया है, ऐसे मैंगो ना टूट सके। ढेर नाम सुपारी वाली जैकफ्रूट का प्लांट है, इसमें फ्रूटिंग आया है छोटा सा, देख सकते हैं। ये थाई चीकू, इसमें भी फ्लोरिंग लगा हुआ है। एक काजू बादाम का प्लांट है, अंगूर का प्लांट रहता है ऐसे, अभी ऐसे ब्लैक अंगूर, ग्रीन ग्रेप्स, ब्लैक जूस और ग्रीन ग्रेप्स दोनों ही रहता है मेरे नर्सरी में। ये देखिए ये भी कश्मीरी रेड एप्पल बेल है, इसमें देख सकते हैं फ्रूटिंग लगा हुआ है। अच्छा हेल्दी प्लांट रहता है। और ये पाइकरी सप्लाई जो बिग क्वांटिटी का प्लांट रहता है, ये सब थाई ऑल्टन मैंगो का बिग क्वांटिटी का प्लांट सभी जाएगा, ये सब रहता है।
तो फाइव ब्लैक जामुन का प्लांट है। फाइव ब्लैक जामुन का इस प्लांट सबकी कुरियर पैकिंग होगा। 50 प्लांट्स जा रहा है, ये सब एक फार्म में जा रहा है, फार्मिंग होगा इसमें। इस पर ए वन टाइम जैकफ्रूट का प्लांट है, ए वन टाइम मैंगो है। ये सब फाइव ब्लैक जामुन का पौधा देख सकते हैं, हेल्दी प्लांट रहता है। ऐसे सब हेल्दी प्लांट रहते हैं। ये सब फार्मिंग के लिए जा रहा है, एक फार्म में टेस्टिंग करने के लिए। 50 प्लांट जा रहा है, ऐसे होलसेल प्राइस में, होलसेल में भी पौधा जाता है। ये सब ऑल टाइम थाई ऑल टाइम मैंगो का प्लांट है, ज़्यादा सब जाएगा। ऐसे सब मैंगो प्लांट रहता है, सब बड़ा साइज का। ये पास्ता मैंगो है, सब क्लोनिंग लगा हुआ है। थाई ब्लैक जामुन का जो प्लांट हो रहा है, बिग क्वांटिटी का रहता है, ये देख सकते हैं आप। ये सब थाई ब्लैक जामुन का बिग क्वांटिटी का, अगर किसी को चाहिए होता आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल जाएगा। पौधा बहुत हेल्दी प्लांट है, अब रेड जैकफ्रूट है, रेड जैकफ्रूट का प्लांट, बारहमासी जैकफ्रूट का प्लांट, सब भी रहते हैं, बिग क्वांटिटी में मिलेगा। और छोटे छोटे जो चार प्लांट जो भी चाहिए सभी मिल जाएगा। वियतनाम जैकफ्रूट का प्लांट है, अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।